हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो नेचर लवर्स के लिए है, जो बहुत ही सुंदर जगह पे हम लोग आज जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो है ये बनरघट्टा नेशनल पार्क के पास ही है। इसका नाम है बनरघट्टा नेचर कैंप एंड रिसोर्ट। तो फिर मैं चलिए फिर चलते हैं। तो अभी मैं वो रिसोर्ट वाले रोड पर आ गई हूँ, जो हाईवे से थोड़ा हटकर है। और रोड जो है यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा रोड है, पर ऐसा नहीं है कि रोड प्लेन है, मतलब आपको कंफर्टेबल रहेगा ड्राइव के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग रोड है ये। तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं जंगल रिसोर्ट, जंगल लॉज। ये फर्स्ट टाइम में हम लोगों का एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ हम लोग फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तीन फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग गेट के पास पहुंच गए। गेट के पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो गाड़ी जो है थोड़ी स्लो थी। ज़ू में आएगा, ऐसा गाड़ी में जाएंगे। अब हम लोग रिसोर्ट के अंदर आ गए हैं और अंदर पार्किंग के तरफ जा रहे हैं। ये 5:30 हो रहा है, लेकिन यहाँ पूरा अंधेरा जैसा दिखने लगा था। हमने हेडलाइट भी ऑन की थी, क्योंकि ये जंगल रिसोर्ट है ना, तो बहुत सारे पेड़ हैं और जंगल के जैसा ही दिखता है। तो पूरा अंधेरा हो था 5:30 बजे ही। तो हम लोग भी पार्किंग के तरफ ही जा रहे हैं, पर लाइट ऑन करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही अंधेरा। और एक दो दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ी थोड़ी क्लाउड थी। मौसम बहुत ही मस्त था। और हम जब बुकिंग कर रहे थे तब सारा बुक हो चुकी है। पार्किंग एरिया पे हम लोग आ गए हैं और गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्क करके रिसेप्शन के तरफ जा रहे हैं, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने के लिए। तो ये रिसेप्शन रूम हो गया और यहाँ हम लोग सारे फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो पूरी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने डॉर्मेट्री ली थी, क्योंकि सारे कॉटेजेस बुक हो गए थे, तो डॉर्मेट्री ही खाली थी। और हम लोगों को कहीं तो जाना था बैंगलोर में ही, और बहुत अच्छी जगह जाना था। तो टचवुड, ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर बैंगलोर में ही आप इंजॉय करना चाहते हैं डे आउटिंग या फुल डे या नाइट स्टे या कोई भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, तो ये जगह बहुत सही है। अभी जो शाम को हम लोग पहुँचे, तो ये हाई टी का टाइम था, तो हम लोग डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ जो ये डाइनिंग रूम है, और यहाँ शाम को चाय, कॉफ़ी और 2-3 वैरायटी के पकौड़े, सॉस, चटनी, मतलब क्वालिटी इज़ टू गुड। बहुत अच्छा क्वालिटी और सर्विस भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों ने जिन्हें चाय पीनी थी, कॉफ़ी पीनी थी, सब ने अपने अपने हिसाब से सब ने लिया। पकौड़े बहुत गरम गरम थे, सबको बहुत मज़ा आ गया। ये रिसोर्ट का किचन पार्ट है। अब हम लोग अपने रूम के तरफ जा रहे हैं, जो हमने डॉर्मेट्री बुक की थी। ये भी नाइट 7:30 बज रहे हैं, तो देखिए कितना अंधेरा। और कुछ कॉटेजेस हैं, ऑल बुक था, सारे कॉटेजेस बुक थे। तो हम लोगों को सिर्फ डॉर्मेट्री का ही ऑप्शन था और हमने वो ले लिया। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस डॉर्मेट्री की ली, लेकिन टू गुड रहा। 6 बेड एक साइड था और 6 बेड दूसरे साइड में था। हम लोग टोटल 12 लोग थे, तो सभी के लिए मज़ा आ गया। बच्चे के साथ, बड़ों के साथ सभी थे, तो बच्चों को हमने एक रूम में डाल दिया था और हम लोग सारे एक रूम में थे। तो ये लेफ्ट और राइट साइड में 6 और 6 बेड थे। काफ़ी अच्छा था और काफ़ी, मतलब सर्विस और अनाउंस सब कुछ गुड था। टॉयलेट हमें 4 टॉयलेट दे दिए थे उन लोगों ने, तो हमने पर फैमिली 1 टॉयलेट ले लिया था। टॉयलेट भी टू गुड क्लीन था, सब कुछ अच्छा था। तो ये डॉर्मेट्री के अंदर साइड का है, एक साइड लेफ्ट और राइट साइड था, दोनों साइड हमने ले लिया था। तो हमें फुल डे फुल नाइट एंजॉय करना था मस्त फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कि ये रिसोर्ट में हिरन जो है वो घूमते रहते हैं ओपन में, मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि आपके रूम के सामने हिरन घूम रहे हैं। ये बाथरूम है, तो मैं आपको बाथरूम का भी व्यू दिखा देती हूँ कैसा है। ये भी बहुत बढ़िया था, मतलब बड़ा था और अच्छा था। अभी रात को 8 बजे ये लोग बोन फायर और एनिमल बेस्ड मूवी दिखाते हैं, तो बच्चों ने और हमने थोड़ा इन्जॉय किया ये चीज़ को भी। बोन फायर और मूवी देख रहे थे, स्नेक्स की मूवी लगाए थे उन लोगों ने, तो हम लोग वो इन्जॉय किया। और मैं पूरा एक बार रिसोर्ट का नाइट व्यू भी लूँगी, उससे पहले मैं डिनर कर लेती हूँ। 8:30 हो रहा है, ये डिनर
यहाँ पे रेडी है और हम लोग सब आ गए हैं डिनर रूम में। और यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है और दोनों का टेस्ट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ सैलड सूप टमाटो सूप वेज के भी दो तीन चार तरह के ग्रेवी ड्राई आइटम तंदूरी रोटी पनीर दाल रसम प्लेन राइस फ्राइड राइस कर्ड रसम दाल मतलब सारे वैरायटीज थे और सभी की जो टेस्ट थी वो बहुत बढ़िया था। गुलाब जामुन था पापड़ और यहाँ भी नॉन वेज के दो वैरायटीज थे जिसमें चिकन भी था और एग भी था। टेस्ट टू गुड था। अब डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं रात के टाइम पे। रिसॉर्ट का पूरा व्यू मैं एक बार दिखाती हूँ। ये ऐसे ही बैठने के लिए ये जगह थे तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठे। ये भी एक कॉटेज है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 बजे मैं वॉक करने के लिए निकली थी तो जस्ट रूम के सामने ही आपको यहाँ पर हिरन दिखते हैं और ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। ऐसे तो जू वगैरह में आप बहुत हिरन देखते हो लेकिन रूम्स के बगल में बहुत ही मज़ा आता है। ये हमारी डोरमेट्री है जो काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी स्पेसियस थी। सबने बहुत मज़ा किया। अभी आपको एक डियर दिखेगा होप थोड़ी सी जूम करके आप देखेंगे तो आपको डियर जो है वो क्रॉस होते हुए नज़र आएगा। ये सुबह मैं बाथरूम का भी व्यू दिखा देती हूँ कि कितना वेल मैनेज्ड है और कितना बढ़िया से ये सब बना हुआ है। आपको पीछे जो जंगल दिख रहा है उधर भी बहुत सारे हिरन हैं। मैं ये देखिए ये बाथरूम के पीछे का व्यू है जहाँ बहुत सारे हिरन अराउंड 20 से 25 हिरन यहाँ पर बैठे थे। मतलब हमने हमेशा हिरन को जू में देखा है। ऐसे खुले में हिरन जो अपने रूम के पास में हो और अपने कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं मतलब सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आपको अगर जूम करके देखेंगे तो ये जस्ट मेरे डोरमेट्री के सामने ही यहाँ पे एक हिरन है। एक नहीं दो हिरन है। अगर आप वीडियो को जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। ये सुबह सुबह 6:30-7 बजे का है। तो फिर अभी हम लोग वापस से डाइनिंग रूम के तरफ जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपको व्यू दिखाती हूँ दिन का। ये किचन है। तो किचन क्रॉस करके ही डाइनिंग रूम है। पार्किंग भी उधर ही है और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कॉटेज है। बहुत सारे ट्री हैं कुछ जैक फ्रूट मैंगो और बहुत सारे ट्री थे। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे कुछ जंपिंग करने के लिए है कुछ बच्चों को खेलने के लिए बड़े भी जा सकते हैं। और कॉटेज जो है बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर दिख रहा था और हर कॉटेज के सामने एक छोटा सा झूला था। तो ये फाइनली हम लोग डाइनिंग रूम के पास पहुँच गए और सुबह का जो चाय या कॉफ़ी बिस्किट के साथ यहाँ पर अभी मिलेगी तो आपको जो भी चाहिए टी कॉफ़ी बिस्किट्स वो सब यहाँ पे हैं। और क्वालिटी मैं फिर से बोलूँगी कि हर चीज़ की क्वालिटी यहाँ पे बहुत बढ़िया थी। सब कुछ बहुत मेंटेन था। कॉफ़ी पीने के बाद वापस हम लोग रूम के तरफ जा रहे हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट है और ये मैं एक बार फुल व्यू पूरा रिसॉर्ट का दिखाती हूँ। तो ये बैडमिंटन को नेट है यहाँ पे आप खेल सकते हैं। अगर आप अपना बैडमिंटन लेके आओ या यहाँ पर भी थे बैडमिंटन आप उसके साथ भी खेल सकते हो। ये कॉटेजेस के तरफ से मैं अभी पूरा व्यू दिखा रही हूँ। डॉर्मेट्री जो है यहाँ पे बहुत नहीं है बहुत नहीं थे शायद वो आपको चेक करना पड़ेगा। कॉटेजेस बहुत थे पर हाँ एरिया बहुत बड़ा था। अगर इसमें बहुत सारे लोग भी आएंगे तो बहुत भरा भरा या कंजस्टेड नहीं होगा। मतलब अगर आप नेचर पसंद करते हैं और चिड़ियों की चहल मतलब शोर शराबे से बहुत ही दूर है ये। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी ऐसा नॉइज़ टाइप की चीज़ नहीं रहेगी। आप यहाँ पे मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का यहाँ पर आना चाहोगे क्योंकि ये सच में बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा शांत है। आप ऐसा सोचोगे कि स्विमिंग पूल हो जिप लाइन है तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्विमिंग पूल या जिप लाइन बहुत ऐसा कुछ भी गेम्स टाइप की चीज़ें नहीं है। और ये कॉटेज इज टू गुड। तो हर एक कॉटेज या दूसरे कॉटेज के बीच में गैप बहुत है।
और हर कॉटेज के सामने उसका अपना झूला है। तो मैं बीच से रास्ते से जा रही हूँ और लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड कॉटेजेस हैं। जो मैं जिस दिन गई थी उस दिन सारे कॉटेज फुल थे। यहाँ पर बुकिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, बस चांस की बात है कि हमें डोरमेट्री मिल गई और हम लोग ने वो बुक किया। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डोरमेट्री का। फर्स्ट टाइम हमने बुक किया लेकिन बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी, और हमने ग्रुप में लिया था इसलिए और भी हम लोगों ने इन्जॉय किया। आप दोनों साइड के कॉटेज जो है वो आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक थोड़ा और लो हाइट है और एक का जो रूफ है वो थोड़ा सा बड़ा है। कॉटेज के बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अंदर का व्यू नहीं देखी और गई भी नहीं, तो आप फ़ोन करके या गूगल सर्च करके देख सकते हैं इसके अंदर के फ़ोटोज़ एंड रूम्स वगैरह क्या है। तो ये अभी हम लोग टूवर्ड्स डाइनिंग रूम की तरफ ही जा रहे हैं। तो एक मैं पूरा व्यू आपको इस रिसॉर्ट का या जंगल लॉज का दिखा रही हूँ। आपको पूरा ये देख के लग रहा होगा कि ये जंगल के बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ और सारे पेड़ एकदम घना पेड़ था, पूरा हरा भरा ये रिसॉर्ट है। बहुत शांति रहती है और बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया, उनके उन्हें वॉक करने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। और क्लीन भी है, मेंटेन भी है, सभी चीज़ आपको जो चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेप्शन बहुत सारे ऑप्शंस है, किधर क्या है आप बोर्ड के थ्रू देख सकते हैं। फुल राउंड लग गया है। तो फाइनली अभी मैं डाइनिंग रूम की तरफ जा रही हूँ और अभी वापस से हम लोग डॉर्मेट्री की तरफ आ गए क्योंकि हमें अभी नेचर वॉक पे जाना है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है ये इस रिसॉर्ट का। 7 o'clock ये लोग नेचर पार्क में लेके जाते हैं, इनके साइड से एक गाइड होता है जो जंगल के बीचों बीच लेके जाते हैं। सुनकर बहुत इंटरेस्ट हो रहा होगा, हमें भी बहुत इंटरेस्ट हुआ था ये सुनकर कि ये लोग नेचर वॉक पे 7 o'clock लेके जाते हैं। हाँ। जो ओपन है, जंगल है, जंगल के बीचों बीच में लेके जाते हैं जहाँ थोड़ा रोड भी है और झाड़ी वाड़ी भी है। पर ये भी बहुत, मतलब ये भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि जंगल के बीचों बीच लेके जा रहे, लेकिन हमारे साथ एक गाइड था जो हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ये हमारा गाइड है। इस जंगल में बहुत सारे हिरन, बाइसन, पीकॉक और क्रोकोडाइल, बहुत सारे जानवर आपको इसमें देखने को मिले थे। चित्र आप अब इंजॉय कीजिए ये जंगल। और फ्रेंड्स, ये रिसॉर्ट बुकिंग करने में ही आपको सफारी, जू और बटरफ्लाई पार्क तीनों इंक्लूड रहते हैं। क्या क्या कहानी होता है? पोल्यूशन ज्यादा कहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ होता है। ओके, हाँ तो यहाँ तो एकदम, अयो वो भी अपन को ही देख रहे हैं, है ना? कुछ यो तो कुकर्स को नो मालूम नहीं कैसे यूज करो, क्या पता चल चाहिए हो भाई। अच्छा एक चीज वो क्या बोला है, अरे पत्तियों से नहीं होगा, देखिए अंदर का कुछ लेके वो बात है। ओ क्या बोल रहे हो, चीतल 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 और ये बाप, मम्मी अपना फोन से जल्दी इसको गंदे बिठा के ले चले, तो पत्थर भी तो सकता है।
ए हाथी हाथी भी है। अजय अजय जू में ना जू में आपको एलिफेंट क्या होता है बोल रहा मिलेगा ऑफिसर क्या क्या बोल रहे सब में सुन हम तो इन लोगों का बीट अरे कुदर मुख गए जना भाई पेड़ आने पड़े हुए निकल ऐसे घूम घूम के निकल नीचे नीचे वापस जाओ मेरे आ जाएगी अच्छा पीछे कोई दिक्कत आगे आगे चले तुम बेटा ये रास्ता जानते हो बनाया हुआ है लगे ना बीच में ऐसा होता है ऐसा होता है ये लोग रेगुलर नहीं लेके आते हैं जिनको एक फोटो आपके साथ डरना नहीं है डराना है डर के आगे जीत है चले फोटो मैं तुम्हारे आगे तो हम लोग हैं यार ये फोटो वाह लड्डू क्या बोल हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे अजय भैया भी कौन फोकस कर रहा है अरे थोड़ा हमारा भी तो भाई इतना हम मेहनत जब आपकी फोटो डाली जाएगी यूट्यूब इसके बाद बताइएगा ये देखो हाथी का पैर अरे कोई कोई हाथी का पैर नहीं है देखो ना यार ये उनका अरे ये तो था कि नहीं था क्या बोल दिया तो बहुत अच्छा लगा ऐसे कैसे कर रहे हैं यार बस में हरा बस स्नेहा सब सॉन्ग नहीं वाओ ये रॉक पे बैठ के खींचाते हैं थोड़ी करते हैं पहले हम लोग पूरा जंगल घूमने के बाद वापस रिसोर्ट के तरफ जा रहे हैं जो एक हिल के ऊपर हम लोग गए थे अभी वहाँ से हम लोग टूवर्ड्स टाउन जा रहे हैं और रिसोर्ट के तरफ जा रहे हैं हमने और बच्चों ने खूब मस्ती किया पहले तो बच्चे बहुत डर रहे थे क्योंकि जंगल में हमें लपड़ का फुटप्रिंट वगैरह भी दिख गया अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए तो ब्रेकफास्ट की भी क्वालिटी टू गुड थी बहुत बढ़िया थी और काफ़ी सारे वैरायटीज थे जो आप देख सकते हो वेज नॉन वेज दोनों थे इडली सांभर वड़ा चटनी तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत है फ्रूट्स भी हैं जूस और ये ऑमलेट लाइफ काउंटर था अब हम लोग नाश्ता करने के बाद हमें बटरफ्लाई पार्क जू और सफारी पे लेके जा रहे हैं जो इसी बस से हमें सफारी पे ले गए थे बाद में हमने बटरफ्लाई पार्क भी गए और जू भी गए जो सारे इंक्लूड रिसोर्ट पैकेज में ही था हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा मैं नेक्स्ट वीडियो में सफारी जंगल सफारी का वीडियो शेयर करूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग